एटी में आप सभी का फिर से स्वागत है। मैं हूं अर्श। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। आज हम स्टार्ट करेंगे अकाउंटिंग प्रोसेस। अकाउंटिंग प्रोसेस क्या है? लेकिन उसको स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी को फिर से बता देना चाहता हूं कि मैंने इससे पहले भी दो वीडियो अपलोड किया है, जिसमें पहली वीडियो का टॉपिक है व्हाट इज अकाउंटिंग, अकाउंटिंग क्या है, और दूसरी वीडियो का टॉपिक है एडवांटेज ऑफ अकाउंटिंग, अकाउंटिंग से हमें क्या एडवांटेज मिलेंगे। तो अगर अभी तक आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक डाल दिया है, आप वहां पर जाके देख सकते हैं। नहीं तो इस वीडियो के लास्ट में एक पॉपअप होगा जिसमें वो वीडियो आप डायरेक्ट क्लिक करके देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज का टॉपिक अकाउंटिंग प्रोसेस। अकाउंटिंग प्रोसेस, या इसे हम अकाउंटिंग साइकिल भी कहते हैं। बिजनेस में जितने भी ट्रांजैक्शंस होते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं बिजनेस ट्रांस एक्शन, उनको पहले हम किस में रिकॉर्ड करते हैं? जनरल्स में। इसके बाद हम इसे लेजर में पोस्ट करते हैं। लेजर में पोस्ट करने के बाद ट्रायल बैलेंस बनाते हैं लेजर की मदद से। उसके बाद फाइनेंशियल रिपोर्ट तैयार करते हैं। इससे हम रिजल्ट निकालते हैं, जिससे हमें रिजल्ट मिलता है। उसके बाद कम्युनिकेट टू यूजर्स, कम्युनिकेट टू यूजर्स, ये होते हैं भाई अकाउंटिंग प्रोसेस। लेकिन अभी आपको सही से समझ में नहीं आया होगा तो इसे मैं फिर से एक बार समझा देता हूँ। तो बिजनेस में जितने भी ट्रांजेक्शन्स होते हैं उन्हें हम पहले जनरल में रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है? जनरल में रिकॉर्ड करते हैं, जिसे हम जनरल एंट्री भी कहते हैं, वही हुआ जनरल। उसके बाद हम इसे जनरल से लेजर में पोस्ट करते हैं। ये अकाउंटिंग प्रोसेस है, लेजर में पोस्ट करते हैं। लेजर में पोस्ट करने के बाद हम से ट्रायल बैलेंस बनाते हैं। ट्रायल बैलेंस से फिर हम लोग फाइनेंशियल रिपोर्ट बनाएंगे। फाइनेंशियल रिपोर्ट में क्या होगा? फाइनेंशियल रिपोर्ट में आ जाएगा ट्रेडिंग एंड पीएल अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जिसे हम कहते हैं पीएल मींस, और उसके बाद बैलेंस शीट, ये फाइनेंशियल रिपोर्ट में आ जाएगा। इसके बाद हम रिजल्ट, रिजल्ट का मतलब होगा इससे जो भी रिजल्ट, या इसके एनालिसिस भी कहते हैं। एनालिसिस करेंगे, तो इसके बाद हम लोग रिजल्ट, इससे हमको पता चल जाएगा हमें प्रॉफिट हो रहा है बिजनेस में या लॉस हो रहा है, या जिसकी भी हम बुक बना रहे हैं तो उसे हम, इससे हमको रिजल्ट मिल जाएगा, ठीक। और ये हम यूजर्स को, यूजर कम्युनिकेट टू यूजर, बिजनेस में जितने ट्रांजेक्शन्स होते हैं उन्हें पहले हम जनरल में रिकॉर्ड करते हैं, फिर लेजर में पोस्ट करते हैं। लेजर से हम ट्रायल बैलेंस बनाते हैं। तो जनरल क्या होता है? यहाँ तो सबको ये तो समझ में आ रहा है कि हाँ जनरल में पोस्ट करते हैं। तो जनरल क्या होता है ये मैं आपको इसकी अलग अलग सब सारी वीडियो बनाऊंगा, जो इसके बाद मैं जनरल की वीडियो बनाऊंगा तो उसमें आपको क्लियर हो जाएगा जनरल क्या होता है, लेजर क्या होता है, उसको कैसे पोस्ट करते हैं, ट्रायल बैलेंस कैसे बनाते हैं, ये क्या होता है। फाइनेंशियल रिपोर्ट में
प्रॉफिट लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट कैसे बनती है, इससे रिजल्ट कैसे निकलता है, ठीक है। ये सारा प्रोसेस एक 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 वीडियो में सबकी बनाऊंगा जिससे आपको सारा क्लियर हो जाएगा। तो ये था अकाउंटिंग प्रोसेस या अकाउंटिंग साइकिल भी कह सकते हैं इसे। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लेकिन अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब कर लीजिए।